दोस्तों, मैं प्रतीक्षा आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं अपने पास के नर्सरी से 3 गुलाब के पौधे लेके आई हूँ। दोस्तों, मुझे गार्डनिंग का बहुत ही शौक है, मैं अपने टेरेस पर ही गार्डनिंग करती हूँ। दोस्तों, गार्डनिंग करने से मन शांत रहता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि हमारे देश के युवा को भी गार्डनिंग का पैशन फॉलो करना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्च के महीने में गुलाब को कैसे रिपोर्ट करें और उसकी सॉइल मिक्स को कैसे बनाएं। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मार्च के महीने में अपने गुलाब के पौधे में कैसे केयर टिप्स को फॉलो करें, जिससे आपके गुलाब के पौधे में बड़े बड़े फूल और कलियां ब्रांचेस बनने लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको गुलाब के पौधे के लिए सॉइल मिक्स बनाना सिखाऊंगी। अगर आप भी इस तरह से सॉइल मिक्स बना के तैयार करेंगे तो आपके भी गुलाब के पौधे में ऐसे ढेर सारे फूल, ये देखिए, और कलियां ऐसे बनने लगेंगी और ऐसे ही लंबी ब्रांचेस बनने लगेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गमले की मिट्टी बना के सिखाऊंगी। हम दोस्तों एक गमले पूरे भर के नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ी जगह खाली रखेंगे। तो दोस्तों, चलिए बनाते। तो दोस्तों, मैंने ये अपने गार्डन सॉइल ले ली है और मैंने ये दोस्तों 200 से 300 ग्राम वर्मी कम्पोस्ट ले ली है। दोस्तों, ये सबसे जरूरी चीज, ये हमारा मोटा बालू। दोस्तों, अगर हम अपनी सॉइल मिक्स में नहीं मिलाते हैं दोस्तों, तो हमारी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन नहीं होगी, और जब हम उसमें पानी डालते हैं तो दोस्तों वो पानी रिसेगा नहीं, मतलब कि वो नीचे नहीं आएगा, तो हमारे गुलाब की जड़ों में फंगस लगने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो दोस्तों, हम ये बालू मिलाएंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही वेल ड्रेन होगी और उसमें पानी जमेगा नहीं। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक मुट्ठी जो है नीम खली पाउडर लिया है और मैंने यहाँ एक चम्मच एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और मैंने दोस्तों यहाँ पर आधा चम्मच यहाँ पे SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट लिया, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गर्म होती है और यह हमारे पौधे में तेजी से ग्रोथ करती है, इसलिए हम इसे थोड़ी ही मात्रा में लेंगे। और ये मैंने ये सरसों खली लिया है दोस्तों, इसमें भी नाइट्रोजन इतना उपस्थित होता है कि यह बहुत ही गर्म होते हैं, तो इसे भी हम थोड़ी ही मात्रा में लेंगे। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये बोनस लिया है जो कि पौधों को बहुत पसंद होती है दोस्तों, और ये पौधे की फ्लावरिंग और उसमें तेजी से ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और कारगर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सभी को अपने सॉइल मिक्स में मिला लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहले इसमें ये वर्मी कंपोस्ट इस मिट्टी में डालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये वर्मी कंपोस्ट इस मिट्टी में डाल ली है। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपनी सॉइल मिक्स में डालेंगे। अब हम इसमें ये बालू मिला लेते हैं। ये बालू 200 से 250 ग्राम है जो हम अपने सॉइल मिक्स में मिला रहे हैं। दोस्तों, अब हमने सब चीज मिला ली है। अब हम इस सॉइल मिक्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जो भी हमने बालू वगैरह सब डाले हैं, और ये अच्छे से मिल जाए और हमारी मिट्टी जो है एक अच्छी सॉइल मिक्स मिट्टी बन जो है बहुत ही पोरस हो जाए, भुरभुरी हो जाए, जो हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होगी। अगर दोस्तों आप भी ऐसे ही मिट्टी बनाते हैं तो आपका गुलाब का पौधा जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, उसमें बहुत ही अच्छी कलियां आएंगे, नई ब्रांचेस बनेंगी, और ब्रांचेस बनेंगी तो उसमें कलियां आएंगी तो दोस्तों आपके फूल बहुत ही अच्छे होंगे और बड़े बड़े होंगे और बहुत ही खुशबूदार होंगे। तो दोस्तों, हमारे सॉइल मिक्स बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी पोरस और भुरभुरी है। तो चलिए, अब इसे हम अपने गमले में कैसे भरना है वो मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ। दोस्तों, हमने अपने गुलाब के पौधे के लिए ये 12 इंच का गमला लिया है। तो दोस्तों, हम 12 इंच का गमला इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे गुलाब के पौधे के लिए 12 इंच का गमला बहुत ही सुटेबल होगा। यदि दोस्तों आप इससे गमला बड़ा लेते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना बड़ा गमला रहेगा उतनी ही बड़ी हमारे गुलाब के पौधे होंगे और वो अच्छे से उसमें ग्रोथ करेंगे। आप देख सकते हैं, हमने अपने गमले में ड्रेनेज होल किए हैं जिससे कि इसमें पानी रुके ना, वो बहे, जिससे हमारे गमले में या फिर गुलाब के पौधे में फंगस नहीं लगेंगे। अब हमने जो इसमें ड्रेनेज होल बना है उसमें हम ये दिए के टुकड़े रख देंगे, जिससे कि हमारी बस पानी निकले, मिट्टी ना निकले, क्योंकि मिट्टी में हमने जो खाद वगैरह डाली हुई है वो ना निकले। अगर वो निकल जाएगी तो हमारे गुलाब के पौधे में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और वो हमारा गुलाब का पौधा मर भी सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट डालें। अगर आपके पास ये नारियल के छिलके होंगे, जैसे मेरे पास कोकोपीट तो नहीं है, मैं ये नारियल के छिलके डालूंगी, जिससे हमारे गमले के अंदर मॉइस्चर बनी रहे, जिससे हमारा गुलाब
अच्छे से खिलता रहे। अब मैं कॉर्न मिक्स को अपने गमले में भर रही हूँ। दोस्तों हमें अपने गमले की मिट्टी को आधे से ज़्यादा भरना है, हमें उसे पूरा नहीं भरना है। दोस्तों गुलाब की कई वैरायटियाँ होती हैं, तो दोस्तों मैंने हाइब्रिड गुलाब की ये एक वैरायटी लेके आई है जिसे हम टाइगर रोज कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस गुलाब के ऊपर पीले कलर के छींटे हैं जैसा कि टाइगर में होते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने गुलाब को हम अब इसमें रिपोर्ट करते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको काटना है। देखिए मैंने इसको काट लिया, अब हम इसे यहाँ से निकाल के अपने मिट्टी में रख देते हैं। तो दोस्तों अब हम इस गुलाब के चारों ओर साइड में मिट्टी भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें मिट्टी भर दी है, अब हम इसमें पानी देंगे। दोस्तों हमने अपने गुलाब को इस कमरे में रिपोर्ट किया है, कर दिया है। अब चलिए इसके केयर टिप्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों हमें इस गुलाब को ऐसे जगह रखना है जहां इसे रोज आध घंटे की धूप लगे, जिससे यह हमारा गुलाब का पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। और सबसे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पहले हम इसकी सूखी हुई डालियों को काट करके निकाल देंगे, जिससे कि इसमें जो पौष्टिक तत्व होंगे इस पे वेस्ट ना हो। तो ये देखिए ये फूल भी लगभग सूख ही गया है, तो हम इसे भी काट कर निकाल देंगे, वरना ये जो फूल है हमारे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींचेगा और हमारे पेड़ में या फिर पौधे में नई कलियां नहीं बन पाएंगे और उसमें फूल भी नहीं आ पाएंगे। दोस्तों हमारा गुलाब जो हैवी फीडर है, हमें इस पे समय समय पे खाद पानी देना चाहिए। दोस्तों हमें इस पे 15 दिन पे खाद और कोई एक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बना के इसमें देना चाहिए, जो कि मैंने आगे की वीडियो में बताए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें कितनी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई थी, जिससे कि पानी हमारा ऊपर नहीं रुका है और वह सड़क के नीचे चला गया है, जिससे हमारा पौधा जो है तेजी से ग्रोथ करेगा और पौधों की जड़ में फंगस भी नहीं लगेंगे। दोस्तों अगर आप इस पे समय समय पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो आपके पौधों के पत्तियों में माइट या फिर कीड़े नहीं लगेंगे, जिससे हमारी पत्तियां और फूल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे और बहुत ही अच्छे फूल बनेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी यह जानकारी या फिर मेरे द्वारा दी गई ये सॉइल मिट्टी की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।